Assalamu alaikum, I am Dr. Farida and today I will tell you about the counseling of the breastfeeding. As we all know that breastfeeding is very necessary for mother and the neonate both. So we have to counsel the patient in antenatal period when the patient comes for regular checkup and postnatally we have to do counseling for the breastfeeding. So there are some important points that should be in mind during counseling like we have to greet the patient, we have to introduce ourselves to the patient and we have to, our posture is very attentive to the patient and we have to assess the knowledge of the patient regarding the disease and the problem for which he has come to us. So let's start. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mera naam Dr. Farida hai. आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सुग्रा। अच्छा जी मिसेस सुग्रा, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? जी 2 साल। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? 1 बच्चा। ठीक है, आपने पहले बच्चे में बच्चे को दूध पिलाया था अपने बच्चे को? जी नहीं, कोशिश की थी लेकिन दूध पिला नहीं था, तो कोशिश करके छोड़ दी। अच्छा, आज मैं आपको ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से बहुत अहम मालूम दूंगी। अगर आपको मेरी कोई बात समझ ना आए या आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दे सकूं। जी मिसेस सुग्रा, जैसे जो माँ का दूध है वो बच्चे के लिए एक इंतहाई मुफीद और बेहतरीन गिज़ा है और साइंसी तहकीक से भी ये बात वाजे हो चुकी है कि जो गिज़ाई अज्जा माँ के दूध में पाए जाते हैं वो कुदरत जो मसनू दूध डब्बे वाले दूध होते हैं या फिर गाय और भैंस के दूध में नहीं होते। माँ का दूध बच्चे को ना सिर्फ एक मुकम्मल और पाक साफ गिज़ा जरासीम से पाक गिज़ा मुहैया करता है बल्कि बच्चा बहुत सारी बीमारियों से दूर रहता है। उसके अलावा माँ के दूध पीने से बच्चे के अंदर कुव्वत मुदाफियत का भी इजाफा होता है, बच्चे के अंदर ताकत आ जाती है लड़ने की बहुत सारी बीमारियों से। उसके अलावा बच्चा जो है पेट की बीमारियों से भी दूर रहता है और इसमें माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। अगर माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाएगी तो उससे उसका वज़न कम होता है दूध पिलाने से। उसके अलावा अगले बच्चे में वक्फा भी बढ़ जाता है कुदरती तौर पे और पैसे की बचत की बचत। फिर डब्बे वाले दूध बहुत सारे कंपनीज के आए हुए हैं जो कि बहुत महंगे पड़ते हैं तो, और माँ का दूध जो है हर वक्त मुहैया होता है बच्चे के लिए। ना तो माँ को उसको गर्म करना पड़ता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर हर वक्त माँ का दूध बच्चे के लिए मैसर होता है। और सबसे अहम बात तो यही है कि बच्चा एक जरासीम से पाक बच्चे को एक गिज़ा मिल रही है माँ के दूध से। और माँ को जो है छाती का कैंसर और अंडे दाने के कैंसर से भी हिफाजत हो जाती है, उससे चांसेस कम हो जाते हैं दूध पीने के जो अगर बच्चा दूध पीता है माँ का दूध। और इसके अलावा माँ को चाहिए कि बच्चे की पैदाइश के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चे को अपना दूध पिलाए और इससे माँ और बच्चे का आपस का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है और बच्चेदानी भी सुकड़ जाती है अगर माँ जल्दी अपना फीड शुरू करवा दे और खून पड़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और शुरू में तो माँ को कुछ मुश्किल पेश आती हैं, आपको कुछ मुश्किल पेश आएंगी लेकिन उसके लिए हमारा अस्पताल का अमला आपके लिए हर वक्त हाजिर होगा। उसके अलावा आपके ख़ानदान में बहुत सारी ऐसी खवातीन होंगी जो तजर्बाकार हैं और वो आपकी इस सिलसिले में भी मदद कर सकती हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकती हैं उससे। डॉक्टर साहब, शुरू में जो गंदा दूध आता है वो बच्चे को पिलाना ज़रूरी है? अच्छा मिसेज सुग्रा, जो ये कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ के जो ये जो शुरू वाला दूध होता है ये गंदा होता है, ये फेंक देना चाहिए, ज़ाया कर देना चाहिए, इसको नहीं पिलाना चाहिए, जबकि यही सबसे ज़्यादा अहम दूध है, इसी में कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने की ताकत होती है, ये बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरा दूध तो गिरता ही नहीं है मेरे बच्चे में। अच्छा, असल में मसला ये होता है कि माँ जो है ना बच्चे को लगाती नहीं है अपने साथ, इतना ज़्यादा माँ बच्चे को दूध पिलाएगी बार बार अपने साथ लगाएगी उतना ही ज़्यादा जो है दूध बनेगा और वो जो है बच्चा पिएगा। ये मसले दरपेश आते हैं औरतों को लेकिन ये इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। ये डॉक्टर दूध पिलाने की वजह से जख्म भी हो जाते हैं? अच्छा, असल में ये जो ज़ख्म बन जाते हैं ना जब माँ बच्चे को अपना सही पोजीशन में बच्चे को दूध नहीं पिलाती ना तो उसकी वजह से फिर ज़ख्म बन जाते हैं जो कि बहुत ही तकलीफ दे होते हैं। तो इसके लिए बच्चे की पोजीशन होना ज़रूरी है, जो कि ब्रेस्ट के ऊपर जो डार्क कलर का हिस्सा होता है वो सही पोजिशन अगर आप उसको पूरा बच्चे के मुँह में डाल के पिलाएंगी तो ये ज़ख्म कभी भी नहीं बनेगी। अगर सिर्फ निपल ही बच्चे के मुँह में जाएगा तो ये ज़ख्म दूसरे दिन ही बनना शुरू हो जाते हैं। सही पोजीशन बहुत ज़रूरी है बच्चे की, ताकि माँ को भी कोई तकलीफ ना हो और वो आराम से फीड करवा सके और बच्चे को भी कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, आपके कोई और सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। जी
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस बच्चे जो आपका आने वाला बच्चा है इसको आप अपना ही दूध पिलाएंगी और ये माँ की तरफ से बच्चे के लिए एक बेहतरीन तोहफा इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। ठीक है, थैंक यू सो मच।